इस वीडियो में आज हम एमएस ऑफिस के एमसीक्यू करेंगे, वो भी बिल्कुल हिंदी फॉन्ट में। और ये वीडियो बहुत सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखें, इसे देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस एक इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो की यह है, यहां पर मैंने उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके आंसर्स को लिया है। यहां पर पहला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों पहले यहां देखो, पहली लाइन पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंट। अपने को प्रिंट करने के लिए कमांड कौन सी यूज करनी होती है, प्रिंट करने के लिए अपने पास कमांड होती है कल्ट पी, कंट्रोल पी। अब उसके लिए कमांड से तो अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन कमांड से नहीं करना है, अपन को करना है मेन्यू सेलेक्ट। दूसरा तो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है, मेन्यू सेलेक्ट करना। अब कौन सा मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले सबसे बढ़िया बात इन क्वेश्चंस की यह है कि इनमें ऑप्शन भी पांच पांच दिए हुए हैं, इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म ही आपके हो जाते हैं। पहला है एडिट। एडिट में अपन क्या करते हैं, एडिट का आंसर नहीं हो सकता, एडिट में अपन किसी भी चीज को एडिट करते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं, तो एडिट वाला आंसर अपना क्या हो गया, गलत। दूसरा है स्पेशल। स्पेशल में अपन क्या करते हैं, उसके फॉन्ट साइज को इनको चेंज वगैरह करते हैं, स्पेशल भी इसका आंसर नहीं हो सकता, स्पेशल से प्रिंटिंग होता है अपना, तो स्पेशल भी गलत। तीसरा होता है सी। सी में थोड़ा बहुत डाउट अपन को होता है कि हाँ इससे कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टूल्स। टूल्स में भी हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि टूल्स से सारी चीजें आती है, कैसे आपकी उसकी साइज है, क्या उसको बोल्ड करना है, कुछ करना है, मतलब जो रिबन का जो पोर्शन है वो टूल्स के पास में होता है, तो उससे होता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं बनेगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि फाइल में जाकर अपन बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सेव एज, प्रिंट, सेव और भी ऑप्शन, चार तो मिनिमम है ही सही कि सेव एज, सेव, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि आपको जो प्रिंट करना है उसको देखना है पहले कि ये कैसा प्रिंट होके छपेगा, तो उसको हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ से आपके इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब इस प्रकार से आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है, एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मैं लेता हूँ दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पढ़िए, पहले तो इसकी हिंदी पढ़िए। हिंदी होना एक सुविधा भी है और एक दुविधा भी है, क्योंकि अंग्रेजी में होता है सारा काम कंप्यूटर में। मैं भी सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ा हूँ, लेकिन हिंदी में पढ़ाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। प्रयोक्ता दस्तावेज, जो प्रयोक्ता दस्तावेज को नाम देता है उसे कहते हैं प्रयोक्ता दस्तावेज। प्रयोक्ता दस्तावेज मतलब क्या होता है, आपने जो डॉक्यूमेंट यूज किया उसे जो नाम आप देते हैं उसको क्या कहते हैं आप, इसका प्रश्न ये है, उसको अपन क्या कहते हैं, फाइल नेम। ये सही आंसर है, फाइल नेम ही कहते हैं। जैसे मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया तो उसमें लिखा आता है ना कि फाइल का नाम क्या है, क्या नाम दे, जैसे आपने नाम दे दिया मार्कशीट किसी दस्तावेज को, कोई भी आपने लिया, तो उसको क्या कहेंगे अपन, फाइल नेम ही कहते हैं। किस फाइल का क्या नाम है, मार्कशीट। जैसे आपने नाम दे दिया कि डॉक्यूमेंट, उस प्रकार से वो होता है। प्रोग्राम इसको अपन कह नहीं सकते, रिकॉर्ड भी नहीं कह सकते क्योंकि रिकॉर्ड तो होता है, डेटा भी ये नहीं है क्योंकि ये तो डेटा फाइल हो जाती है ना, एक डेटा अलग चीज है, डेटा फाइल अलग चीज है, और ये इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आया था SBI 2008 में। अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हो तो इनका फीडबैक आप मेरे को जरूर देना, ताकि मैं और ज्यादा ये सारी चीजें लेकर आऊं आपके लिए, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो, क्योंकि कई बार मैंने क्वेश्चन डाले हैं पहले भी जहां पे आपके डाउट बहुत सारे आ रहे हैं। कई कह रहे हैं सर क्वेश्चन गलत है, कोई कह रहा है सर इनमें आंसर गलत है, कोई कहते हैं कि सर इतने इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप भाई यहाँ पे देख लो, SBI में, IBPS में पूछे हुए प्रश्न है, आपके जो छोटे मोटे एग्जाम आई वगैरह प्रोग्राम वगैरह होता है, इनमें तो कन्फर्म ये क्वेश्चन छपने के आसार बनते हैं। और भी कई आजकल हर एक एग्जाम, पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम में तक ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कट कॉपी और पेस्ट, दोस्तों ये कट और कॉपी और पेस्ट, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, एक ही बात है। करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, दोस्तों कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए सबसे इजी क्वेश्चन है, एडिट मेन्यू में जाके अपन इसको कर देते हैं। फाइल मेन्यू से होता नहीं, अपने वर्ड अभी 12 बजे पढ़ा इस लेक्चर में, और स्पेशल से भी ये होता नहीं है, इनमें से कोई ना कोई सवाल ही बनता है, इसका सही आंसर हो जाता है एडिट। अगर किसी ने मेरा वर्ड का लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है, मेरे इसमें पढ़ा है। रिलेटेड फाइल को कलेक्शन, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है, यानी कि जो सेम फाइल है एक दूसरे से रिलेट करती है उनको क्या कहते हैं। पहला है कैरेक्टर, कैरेक्टर नहीं कहते, कैरेक्टर अलग चीज होती है। फील्ड भी नहीं कहते, फील्ड पूरा होता है, उसे कहते हैं डाटाबेस। डाटाबेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि आपने कहीं पे रिलेटेड फाइल है, जैसे मान लो रखी है, जैसे मान लो कि आपने रखा है आपको मीडिया हाउस है, वहां पे कोई बड़ी बड़ी सीडीज वगैरह रखी होती है हर एक जगह, बहुत सारी,
अगर मान लो उनकी फिर जैसे पता करना है कि इनको निकालेंगे कैसे, जैसे मान लो कि अमिताभ बच्चन की कोई सीडी है, अब वो निकालनी है, तो उसको क्या करें कि वो एक डाटाबेस बनाते हैं फिल्म के नाम से या बॉलीवुड के नाम से, उस प्रकार जैसे अपने प्लेलिस्ट होते हैं ना, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें डाटाबेस ही कहेंगे, उसमें सूचना सहायक के वीडियो आपने को देखने तो सारे आ जाएंगे, तो सारी क्या रिलेटेड फाइल है, उसको क्या कहते हैं, एक डाटाबेस बना दिया ना मैंने, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, डाटाबेस। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, रिकॉर्ड भी है होता है, लेकिन रिकॉर्ड इसको एग्जैक्टली इसको हम डाटाबेस ही मानेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड में तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ वो भी आपने रखा हो सब कुछ रिलेटेड का ही नहीं, सब कुछ का। अब अगला प्रश्न है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को प्रवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है, यानी कि विद्यमान डॉक्यूमेंट इसको आप परिवर्तित कर रहे हैं, इसे आप कहेंगे, पहला है क्रिएटिंग, दूसरा है एडिटिंग, तीसरा है मॉडिफाइंग, अच्छा होता है एडजस्टिंग। अब यहां पे आपका सबसे बड़ा चीज क्रिएट होगा कि क्रिएटिंग किसे कहते हैं, क्रिएटिंग कहते हैं कोई भी नए डॉक्यूमेंट को, न्यू डॉक्यूमेंट लिया और क्रिएट किया, उसे हम क्रिएट कहेंगे, तो क्रिएटिंग का आंसर हो नहीं सकता। दूसरा होता है एडिटिंग, एडिटिंग इसका आंसर है, बिल्कुल सही है, किसी भी डॉक्यूमेंट जो आपने पहले बना दिया उसको एडिट करेंगे आप, तभी उसमें चेंजेस होंगे। अब चौथा यहां पर आता है मॉडिफाइंग, ये कंफ्यूजन करता है, और एडजस्टिंग, ये भी नहीं आ सकता, एडजस्ट तो किसी डॉक्यूमेंट को अपन करते नहीं, एडजस्ट क्या, एडजस्ट उसे कहते हैं जहां पर कोई चीज नहीं पॉसिबल हो सकती हो लेकिन उसको भी पॉसिबल कर दे, जैसे कई छोटी गाड़ी नैनो आपके पास, आप पांच जने उसमें जाते हैं, चार ही जा सकते हैं, उसे पांच जाना, तो वहां आप एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो कंप्यूटर में कभी होता नहीं, एडजस्ट करना पड़े नहीं करना पड़ता ना, इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं आ सकता। अब एडिटिंग तो सही हो गया अपना, लेकिन मॉडिफाइंग भी तो हो सकता है ना, आपने पुराना डॉक्यूमेंट था उसको एडिट किया तो मॉडिफाई तो हो गया, हो तो बहुत से बंदे इसको टिक करेंगे, फिर कहेंगे साहब ये सही है, लेकिन यहाँ पर यही सही है, मॉडिफाइंग आपका मतलब जो शब्द होता है आपका शब्द के हिसाब से ये सही है, लेकिन टेक्निकली इसको ऐसा वर्ड यूज में नहीं लिया जाता, अपना जो वर्ड यूज में होता है कंप्यूटर की भाषा में वो एडिटिंग ही होता है, मॉडिफाइंग नाम का कोई वर्ड यूज में नहीं होता, आप किसी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट जरूर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये भी गलत है, और अपना सही आंसर क्या है, एडिटिंग बी। अब अगला अपना प्रश्न आता है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय, अब पहला बात क्या है, वर्ड अपन ने पढ़ा था, दूसरा आ गया टेक्स्ट, अब क्या करना है, फॉर्मेटिंग, तीन चीजें तो यहीं से क्लियर होगी कहां पे आपको पहुंचना है, करते हुए किस ग्रुपिंग का काम में लिया जाता है, कौन सी ग्रुपिंग काम में ली जाती है टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते हुए। अब हम देखते हैं इसके जो ऑप्शंस हैं, टेबलेट्स, पैराग्राफ्स, इंडेक्सेज, दूसरा है पैराग्राफ, इंडेक्सेज, सेक्शन, कैरेक्टर, सेक्शन, कुल मिला के एक क्वेश्चन ये है कि इसमें सही बताना है आपको क्या क्या चीज होती है। टेक्स्ट की फॉर्मेट लेने के लिए आप लोग सबसे पहले टेबलेट्स में जाना पड़ता है, फिर पैराग्राफ और इंडेक्सेज में जाना पड़ता है, ये इसका सही आंसर है, ये बाकी का आंसर सही नहीं है, क्योंकि इनका जो क्रम है वो सही नहीं है, इस हिसाब से ये पैराग्राफ भी नहीं होगा, इंडेक्सेज और सेक्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सबसे सही आंसर होगा टेबलेट्स, पैराग्राफ्स, इंडेक्सेज, यानी आंसर ए इसका सही है। अगला प्रश्न अपने पास है, एक्सेल में एक्टिव सेल की कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, यानी एक्सेल में जो एक्टिव सेल से, एक्सेल अपन पढ़ेंगे कल ही पढ़ लेंगे इसको, तो इसकी कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, एक्सेल में जो एक्टिव सेल्स की कंटेंट होती है उसको फॉर्मूला बार डिस्कस करता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब अगला प्रश्न अपन लेते हैं, अगला प्रश्न है नए नाम यानी न्यू नेम अपन को देना है, सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना पड़ता है, यानी नए नाम या नए जो उसकी टाइप है उसको सेव करने के लिए आपको कौन सी कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों सेव कमांड का, जो सेव किसी भी चीज को अपन करते हैं तो उसके लिए एक ही कमांड अपने पास होती है, कल्ट एस, और उससे क्या होता है, फाइल क्या होती है, सेव ही होती है, तो इसका सही आंसर सही हो जाता है, बाकी सब आपको भ्रमित करने के लिए दे रखा है। सेव एज जो होता है उसको चेंज करने के लिए काम आता है, न्यू फाइल अपन न्यू फाइल क्रिएट करने काम आती है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, समग्र डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो आपको एक कमांड होती है वो काम में आती है, और उस कमांड को हम बोलते हैं समग्र, जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन कमांड में प्रयुक्त किया जा सकता है,
तो यहां पर आता है पहला ऑप्शन कल्ट ए, दूसरा आता है अल्ट प्लस फाइव, तीसरा आता है शिफ्ट ए, चौथा आता है कल्ट प्लस के, और पांचवा आता है अपना सी कल्ट प्लस एच। दोस्तों कल्ट प्लस ए, कंट्रोल ए अपन करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए कल्ट प्लस ए। अपना आता है यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट है, प्रत्येक सेल को सेल एड्रेस पर रिफर किया जाता है, जो है सेल को सेल एड्रेस पर रिफर किया जाता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो वो होता है अपना सेल कॉलम लेबल। वो नहीं होता क्योंकि सेल का कॉलम लेबल तो उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है सेल का, सेल कॉलम लेबल, वर्कशीट, नया टेब। ये भी नहीं होता वर्कशीट और नया टेब लेने के लिए अपन को, जब अपन नई शीट क्रिएट करते हैं उसके लिए काम आता है। सेल रो लेबल, ये भी नहीं होता, सेल रो लेबल अलग चीज होती है, सेल का रो और कॉलम लेबल। बिल्कुल सही आंसर है, सेल जो होता है उसका रो और कॉलम लेबल होता है, उसी को अपन नीड ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में डॉक्यूमेंट के प्रत्येक सेल एड्रेस के लिए रिफर किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो प्रैक्टिकली अपन करके देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है उसमें ऐसी सेल्स बनी होती है हर जगह, तो पर्टिकुलर उसकी रो और कॉलम जहां पर क्रॉस करेंगे तो वो रो का क्या नाम है, कॉलम का क्या नाम है, उस दो डेटा वहां पे आता है रो और कॉलम के, उन्हें हम ये चीज कहते हैं सेल का रो और कॉलम का लेबल। ये चीज आंसर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिलेशन डाटाबेस। रिलेशन डाटाबेस में एक डाटा स्ट्रक्चर, ये डीबीएमएस के क्वेश्चन है सारे, जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित, बल्कि आते ही इसमें एमएस ऑफिस में ही है सारे, जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, यानी रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है रिलेशन संबंधी जो आपका डाटा होता है, डाटाबेस होता है। तो सबसे पहले तो आपको समझ आएगा ना रिलेशन डाटाबेस क्या होता है, अभी समझाया था जैसे कि अपना मैंने अपने प्लेलिस्ट का एग्जांपल देके बताया था आपको, एक डाटा स्ट्रक्चर है रिलेशन संबंधी। अब इसमें क्या करना है अपन को कि रोज और कॉलम को ऑर्गेनाइज कैसे करता है, इसमें इंफॉर्मेशन संबंधी जो सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन कोई है तो उसे किस प्रकार से किया जाता है। तो ब्लॉक उसमें एक ऑप्शन होता है, ब्लॉक से ये होता नहीं है, रिकॉर्ड से होता नहीं, क्यों, रिकॉर्ड अपने रिलेशन डाटाबेस में आपको पता है जैसे सारा डेटा होता है उसे रिकॉर्ड कहते हैं, और ट्यूपल भी उसे नहीं कहते। एक होता है टेबल, एक्सेल में आप देखेंगे टेबल होता है, उससे आप उसको कर सकते हैं रोज कॉलम में ऑर्गेनाइज, और कमांड लाइन इसका इंटरफेस इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है रोज एंड टेबल का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी टेबल, रोज और कॉलम को ये ऑर्गेनाइज करता है एक सही फॉर्मेट में। जो अपना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है अपना, ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं कॉलम का नाम, दूसरा ऑप्शन यहां पर है रो का नाम, तीसरा ऑप्शन है पहले रो फिर कॉलम का नाम। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल की यहां पर बात हो रही है, डॉक्यूमेंट सेल एड्रेस में क्या होता है, सेल का जो एड्रेस होता है, एक सेल बनी हुई होती है ऐसी, इसका जो एड्रेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें कॉलम का नाम, ओनली कॉलम का नाम होता नहीं है, ओनली रो का नाम भी नहीं होता, पहले रो फिर कॉलम का नाम ये भी नहीं होता, क्योंकि इन्होंने दोनों चीजें तो होती है रो और कॉलम तो, लेकिन इसमें अपना जो है पहले आता है कॉलम फिर आता है रो, तो आपको ये ध्यान रखना है पहले कॉलम फिर रो, और ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये इनमें से कोई नहीं इसका होगा नहीं। तो कॉलम भी होता है रो भी होता है, पर पहले क्या होता है, पहले होता है कॉलम फिर होता है रो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए भले आप। किसी कमांड की सहायता से, यानी किस कमांड की सहायता से, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, यानी कि किस कमांड के द्वारा हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं का मतलब समझ रहे हैं आप, ये हिंदी आपको थोड़ा दिमाग खराब कर देगी, ये सब शब्द देखो आप, बचा सकते हैं, बचाना मतलब क्या होता है, क्या होता है, आपसे कहते हैं ना पानी बचाओ, पानी व्यर्थ मत बहाओ, ऐसे बहता है नल में से पानी, नल की टूटी में से बहता है ना, तो क्या करते हैं बचाओ, तो क्या करते हैं सेव वाटर कहते हैं ना, तो सेव वाटर को अपन क्या कहेंगे सेव, तो सेव किससे होता है, सेव किससे होता है, कल्ट प्लस एस से क्या होता है सेव, समझ में आए, राइट आंसर इज ए, कल्ट एक्स से क्या होता है कट, कल्ट एस से क्या होता है सेलेक्ट, शिफ्ट एफ से क्या होता है अलग कमांड होती है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाता है ए कल्टेस, समझ गया, तो ये बचाओ हिंदी का थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न अपना है
विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर, ये विंडोज से संबंधित, विंडोज क्या है अपना पहले बताओ, विंडोज क्या है, विंडोज है अपना ओएस, ओएस क्या होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या काम आता है ओएस, अपना काम आता है किसी कंप्यूटर को उसकी फंक्शनलिटी को रन करने में किस प्रकार से चलता है। और ये पूरा कंप्यूटर किस फॉर्म में काम करता है, वन और जीरो की फॉर्म में ये पूरा काम करता है, तो उस प्रकार से विंडोज है। अब विंडोज, दूसरा प्रश्न विंडोज से क्या बनता है अपना, दूसरा प्रश्न बनता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, विंडोज, विंडोज अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब आगे अपन बढ़ते हैं प्रश्न में, आधारित पर्सनल कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है, कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है विंडोज कंप्यूटर में। पहला होता है एमएस एक्सेस, वर्ड स्टार, लोटस, वेंचुरा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वर्ड स्टार क्या होता है, ये डाटाबेस सेव करने काम नहीं आता। लोटस क्या होता है, लोटस एक टाइप होता है अपने उसका स्पेशल सॉफ्टवेयर एक प्रकार का होता है, अरे इंटेल का टाइप होता है इसमें। और जो वेंचुरा ये भी नहीं होता अपना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस अपना डाटा को पर्सनल कंप्यूटर में पैकेज डाटाबेस के रूप में काम आता है। एमएस एक्सेस किसकी, एमएस जो अपना एक्सेस होता है वो होता है अपना एक्सेल का ही मॉडिफाइंग रूप होता है ये, ठीक है। तो एमएस एक्सेस अपना यहाँ पे सही हो जाएगा, ये यहाँ पे सही आंसर ग्राफिक्स में ज्यादा होते हैं। अगला प्रश्न अपना है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर जो होता है उसमें अगर कोई फाइलें रखी हुई है तो उनके समूह को अपन क्या कहेंगे। तो इसके ऑप्शन है डिक्शनरी, डिक्शनरी कहते हैं क्या, डिक्शनरी नहीं होता, डिक्शनरी में क्या होता है आपका जो वर्ड होते हैं वो सेव होते हैं सारे, जो आके ऑटो करेक्ट करने में काम आते हैं। इंडेक्स भी नहीं कहते अपन, इंडेक्स अलग चीज होती है, इंडेक्स तो सूची। अब देखो इंडेक्स जब नहीं हो सकता तो सूची कैसे होगा, इंडेक्स से सूची तो एक ही चीज होती है। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डायरेक्टरी कहते हैं उसको, ये भी नहीं होता है, और हर आजकल वेबसाइट में भी डायरेक्टरी होती है। तो मेरे को ये बताएं कि आपको इस प्रकार से ये चीज जो मैं लाया हूं कैसी लग रही है, यहाँ पे लिखा नहीं है एक्चुअली क्या है कि वो कट गया होगा, ये तमाम प्रश्न जो अभी आपने देखे ये वाले ये भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ऐसा ना समझिए नहीं आए होंगे, और ये काफी अपने आप में महत्व रखते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सब कुछ को। तो आप एक बार इनको ध्यान से देखें और इनकी स्नैपशॉट लेकर रख लें और इनको तैयार भी करें तो आपके एग्जाम में ये फंस सकते हैं।